आगे जगदलपुर सीट पर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस हाईकमान तय नहीं कर पा रहा है कि बस्तर की 11 सीटों पर जो कि नाम ऐलान हो चुके हैं और अभी आगे कैसे किया जाना है ये रणनीति का हिस्सा रहेगा। वहीं जगदलपुर सीट पर नाम को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। प्रबल दावेदारों की अगर आप बात करें तो मलकीत सिंह गेदू पहले नंबर पर नजर आते हैं। दूसरे दावेदार पूर्व महापौर जतिन जायसवाल हैं। आज शाम तक किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है, इस तरह की संभावनाएं हैं। जगदलपुर की सीट पर हम बात करें जहां पर अभी भी ऐसी स्थिति है कि संशय बरकरार नजर आता है। कुछ अन्य सीटें जिन पर नामों का ऐलान हो चुका था, फिलहाल समझ लेते हैं स्थिति। सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, क्या कुछ स्थिति अभी तक स्पष्ट हो पाई इस सीट को लेकर? देखिए जगदलपुर जो सामान्य सीट है, अनारसी सीट है, इस सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी अब तक नाम तय नहीं कर पा रही है क्योंकि 11 जो सीट है बस्तर की वो सभी पे नाम तय हो चुका है। लेकिन जगदलपुर जो अनारसी सीट है, इस सीट को लेकर लगातार पार्टी मंथन कर रही, विचार कर रही है। इस सीट में सबसे प्रबल दावेदार के नाम अगर आ रहा है तो मलकीत सिंह गैदू का नाम आ रहा है। दूसरे नंबर पर पूर्व महापौर जतिन जायसवाल, इन दोनों नामों को लेकर पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि किसी एक नाम पर मोहर लगे क्योंकि 20 तारीख तक नामांकन दाखिल करना है तो आज देर शाम तक किसी एक नाम पर मुहर लगने की बात की जा रही है। जगदलपुर विधानसभा चूंकि अनारसी सीट है और इस विधानसभा को जो जीत लिया तो बस्तर के बाकी 11 सीटों में प्रभाव डालता है क्योंकि यहाँ के प्रत्याशी भी काफी अहम होता है। तो इसलिए इस सीट पर को लेकर पार्टी किसी भी प्रकार का चूक करना नहीं चाहती है और किसी एक नाम को लेकर तय करी है। और बताया जा रहा है कि मलकीत सिंह जो गैदू है उस पर 80% नाम तय हो चुका है और 20% बात करें तो जतिन जायसवाल के नाम पर मोहर लगा है, लेकिन दोनों में किसी एक का नाम पर आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। पार्टी की तरफ से क्या इस पर कोई इशारा दिया जा रहा है? चूंकि जिस तरह से अब तक लोगों के टिकट कटे हैं, काफी नाराज नेता बैठे हैं, इनमें से कौन एक नाराज नेता होने वाला है? देखिए नाराजगी की बात करो तो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला पंचायत सदस्य टीवी रवि, ये भी दावेदार के नाम पे थे, इनका नाम पैनल से हटा दिया गया क्योंकि 91 पंचायत के जनप्रतिनिधि जिसमें सरपंच उप सरपंच ये सभी निर्दलीय प्रत्याशी जो टीवी रवि के समर्थन में उतर चुके हैं। टीवी रवि कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने में बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। टीवी रवि का नाम कांग्रेस पार्टी में पैनल में था लेकिन उनका नाम हट चुका है। रही बात सिटिंग एमएलए की तो उनका नाम भी दावेदार में था, उनका नाम भी हट चुका है। पूर्व इंद्रावती प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष है राजीव शर्मा ये भी दौड़ में शामिल था तो इनका नाम भी फिलहाल कट चुका है। तो ये थोड़ा समय उम्मीद है कि थोड़ा समय लगेगा श्रीनिवास अभी ये क्लियर होने में। आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और चुनावी खबरों पर चर्चा हम लगातार करें, बात सीएम भूपेश बघेल भी कर लेते हैं जहां आज डूंगरगढ़ को लेकर कार्यक्रम साझा किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल